क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ लिख रहे थे, क्या कर रही थी? बच्चों की संख्या जोड़ रही हूं। क्यों ऐसा क्यों आपको करना पड़ रहा है? आप क्यों कर रही हैं इस काम को? क्या नाम है? सबकर सबकतारा। किस क्लास पढ़ती है? 8। तो कौन सा विद्यालय है? उत्तरी विद्यालय जारंगी। जारंगी कौन कौन सी समस्या आप लोग समझते हैं? हमारे स्कूल में बाथरूम में पानी की सुविधा नहीं है। और हमारे स्कूल में बेंच भी नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है। आप लोग नीचे बैठकर ही पढ़ाई करते हैं? यस, वो भी घर से बोरा लाते हैं तभी बैठते हैं। अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चियां क्लास ले रही थी, बच्चों के आंकड़ा में इकट्ठा कर रही थी, ये क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 3 जो हम लोग टीचर हैं, 2 टीचर के प्रेजेंटेशन भेज दिया गया है, 12 टीचर हड़ताल में, अकेले हम रह गए और 1 से 8 तक के जैसे कि देखना पड़ता है। लेकिन आज खुद ही मेरा तबीयत गड़बड़ा जाने के कारण बच्चों लोग से हमारा हुआ है। कितने वर्षों से यहाँ आते हैं? यहाँ हम 2001 से आए हैं। इस विद्यालय की स्थापना कब हुई? इस विद्यालय का स्थापना 1956 में हुई। 56 के बाद से अभी तक यहाँ पर बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं हुई है, तो क्या इसके लिए कभी आपने ऊपर के पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है? हाँ, हम लोग ऊपर पदाधिकारियों को बुलाकर के जब उद्घाटन इसको करवाने लगे, इसमें सारा व्यवस्था जो यहाँ था वो दिखाए, अप्लीकेशन दिए और उसमें आश्वासन भी दिए कि ठीक है, इसके लिए हम जीएससी साहब के यहाँ लिखते हैं और आप लोग को भी बच्चे लोग को बैठने के लिए दी जाए। आपने जानने की अभी तक कोशिश की कि अभी क्या स्थिति में है आपका आवेदन? हाँ, क्या स्थिति में आवेदन यह है कि डीओ साहब राय जी जो थे हमारे केंद्र भाग में, हाँ उसने लिखे थे वहाँ और वही दिए थे और 1-2 बार ये पता लगाए भी जा करके तब तक कुछ नहीं, क्योंकि शिक्षा अधीक्षक बैठ भी नहीं करते हैं। विकास मद के लिए कुछ पैसे आते हैं यहाँ पर, तो क्या उस पैसे का उपयोग, ये बच्चियाँ बता रही थी कि यहाँ पर बाथरूम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग क्रेक है, ये सारी समस्याएं हैं, तो इसके निदान के प्रति आप क्या कर रहे हैं? इसके निदान के लिए बाथरूम है, बच्चों के अलग, लड़का के अलग है, लड़की के अलग है, वहाँ से पानी की व्यवस्था नहीं है और उसके बाद में पानी धीरे धीरे चप्पा कर ली है। लेकिन ये जो पुराने बिल्डिंग है
उसका टूटा हुआ है उसे पानी पीता है, और विद्यालय विकास से पैसा वो नहीं आता है जो कि मैंने जरा मना टूटा फूटा मरम्मती हो उसको करवाया जाता है।